आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था, यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मतलब इनका पूरा जो सेंटर था
वहां पे हमने आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, एक इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े, और वाराणसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते, 1 लाख वोट से जीते, मतलब जान बचा के निकले हैं, सच्चाई है। हमारा काम ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं, अभय मुद्रा कहते हैं, ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए, इस्लाम में भी जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है दोनों हाथ से, ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा, और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई, मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई, सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी,
अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले, हम लड़े थे, हमने कहा देश से, हमने कहा था डरो मत डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं नई कांग्रेस पार्टी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी, मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था, आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराओ मत, और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से तो अयोध्या कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिए, मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर एक लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्पा कर देंगे।